जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। एनसीडी चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है और ऐसे में दिल्ली के लोगों का क्या सोचना है ये जानने के लिए इस वक्त स्पाइस न्यूज भारत की टीम मौजूद है वार्ड नंबर 74 में, यानी कि चांदनी चौक में। क्या इस बार बीजेपी हैट्रिक मारने के बाद वापसी करेगी एनसीडी में दोबारा, या फिर आप और कांग्रेस का भी कोई चांस है, ये जानने के लिए हम मौजूद है चांदनी चौक में। और आइए सीधे जानते हैं चांदनी चौक की जनता से कि इस बार एमसीडी के इलेक्शंस के बारे में उन लोगों का क्या सोचना है। क्या लगता है दोबारा एमसीडी का बॉस जो है वो बीजेपी होगा या फिर इस बार स्विच हो जाएगा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस आ जाएगी एमसीडी में? देखिए बेटा, मैडम तो कैसे बोले आप, बच्चे हो मेरे सामने, सबको इस संदेह में नहीं रहना चाहिए। जो कमल है कमल ही खिलेगा और कमल समझिए खिलता जा रहा और खिलेगा, वो कभी मर नहीं सकता है। और चूहे बिल्ली जो है बरसाती मेढक बोलते रहेंगे, असली बात ये है। आपके मुंह पर ही बोलेंगे, वहाँ वोट देंगे, बटन दबाएंगे कमल पे, इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। तो साफ सफाई की बात आप छोड़ दियो, तो सबसे बड़े देश के अंदर जो सुरक्षा दी है बीजेपी ने दी है, पूरे दुनिया के अंदर नाम रोशन किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत का, उनके नेतृत्व में है, ये बीजेपी को ही जाएगा। पिछले 15 साल से बीजेपी है, तो आपको क्या काम उनका दिल्ली में ऐसा पसंद आया, या क्या वो ऐसा मुद्दा है जो आपको लगा कि हाँ बीजेपी ने काम किया और दोबारा बीजेपी को ही एमसीडी में आना चाहिए? देखिए साफ सफाई, जितनी गाड़ियां हैं कूड़े भेज देते हैं सब लोग, देखिए पूरी सफाई नज़र आ रही है। अभी तो कोई नहीं, अभी तो सेंट्रल में वही है, आपको सफाई नज़र आ रही कि नहीं है? ये सब बीजेपी की देन है। यहाँ से रवि कप्तान जी खड़े हो रहे हैं, वो अभी हैं, सब लोग रिन्यूअल करना है उनको, जैसे भारत के प्रधानमंत्री को रिन्यूअल करना है वैसे इनको भी रिन्यूअल करना, वही आएंगे वही आएंगे आएंगे, देख लीजिएगा आप। तो मतलब इस बार जो वापसी है वो बीजेपी की ही होगी? एक आधा कोई सीट जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको सोच नहीं है, जो पीने वाले जिन्होंने फ्री पिया बंद हो गई है, उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वो लोग भरे, एक आधा सीट निकल जाए, बाकी नहीं। अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का कितना प्रतिशत चांस है? वो तो कांग्रेस को तो समझ लीजिए, वो कौन कुंभकर्ण था ना, 6 महीने के लिए सो गया था, वैसे ही बरसों तक सो गया, इनका नाम ही मत लो, एकदम नाम मत लो भाई। पब्लिक जो समझदार है उस नेता को देती है, समझदार नेता विवेक वाला नेता होता है, बुद्धि वाला, खाली भारत जोड़ो से नहीं होता है, दाढ़ी बढ़ाने से नहीं होता है। जो आदमी अपनी शादी नहीं कर सका है वो देश को क्या चलाएगा? हैं, विदेशों में खाली भाग जाते हैं समय आने पर। वो एक लीडर वो होता है जो देश के लिए कुछ बोले, विपक्ष बोलता है पर उनको तो केवल वो राइफल घोटाला। आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात करी है, तो जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होके हटाए और अब गुजरात में होने वाला, और साथ ही साथ इसी बीच एमसीडी का भी इलेक्शन होगा, तो अगर हम सब चीज़ों को देखें तो भारत जोड़ो यात्रा का इस पर कितना असर पड़ेगा इलेक्शन पर? भारत टूटा ही कब था, टूटा ही कब था जो जुड़ेगा, आप बताइए, आप भी रिपोर्टिंग करती हैं, कोई बता दे भारत टूटा कहाँ था जो ये जोड़ेंगे, कोई मुद्दा तो है नहीं, बेवकूफ़ी बातें बताए ना, बच्चे हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो आपको लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो सिर्फ एक लाइमलाइट के लिए है? वो सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अब जैसे मानिए कोई नया आदमी जाएगा तो भीड़ नहीं होगी, अब उनकी पार्टी के लोग हैं, वैसे भी कुछ लोग जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, खर्चा लेते हैं, यहाँ भी चल रहा है, खर्चा मिलेगा दिन भर पीछे पीछे, सही आदमी वहीं वोट देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी से लिख कर देता हूँ मैं चैलेंज करके कि कमल आएगा, तो मैं पाकिस्तान में नहीं बैठा हूँ, भारत में बैठा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, कमल ही खिलेगा। जिस तरह से यहाँ पे चांदनी चौक में मौजूद लोगों ने बताया है कि कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी का नाम लिया तो कुछ लोगों ने बीजेपी का नाम लिया, अब 7 दिसंबर को ये इसका भी फैसला हो जाएगा कि एमसीडी में आखिर आएगा कौन। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, एमसीडी इलेक्शंस में आपका वोट किसको जाने वाला है? मेरा अभी मैं डिसाइड करूँगा, अभी मैं देख रहा हूँ मेरे उधर से कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ है। अच्छा। जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को देंगे, चाहे वो बीजेपी, क्योंकि पिछले 15 साल से बीजेपी है, तो हो सकता है कि आपका वोट बीजेपी को जाए। बीजेपी ने अगर अच्छा काम किया है तो वो वोट बीजेपी को ही जाएगा, अगर आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो वोट उसको दिया जाएगा। हमारे एरिया में देखना पड़ेगा कैंडिडेट कौन है, अच्छा, किससे उम्मीदें हैं, कौन ज़्यादा अच्छे अपना वादे करता है, या जो भी अपने सही से जो अपना डिसीजन देता है कि बिजली पानी सुरक्षा, अगर मैं इन सब मुद्दों पे बात करूं तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में बिजली पानी सुरक्षा इन सब चीज़ों को लेकर? पानी का जो है सारी दिल्ली में पाइपलाइन बिछ गई है ये सुनने में आ रहा है, हमारे गलियों में भी बिछी है,
ये अच्छा हुआ है, पुरानी पाइपलाइन सारी बदल दी गई है, बिजली जाती नहीं है, जिनका बिल कम आता है, कम यूसेज कर रहे हैं उनका बिल नहीं आता है, जो यूसेज कर रहे हैं वो बिल भरते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बिजली पानी के क्षेत्र में बढ़िया काम। आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं, तो एमसीडी इलेक्शंस में आपका वोट किसको जाने वाला है? एक्चुअली केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है आपके यहाँ, सड़कों पे, पानी पे और बिजली पे। केजरीवाल को वोट जाने का कोई एक ऐसा मुद्दा जिसके बेसिस पे आप उन्हें वोट दे रहे हैं? एक्चुअली अच्छा काम किया उन्होंने उसका दिल्ली में। यस मैम, सड़क पिछले 15 साल से एमसीडी पे बीजेपी राज कर रही है, उसको देखते हुए मैं केजरीवाल जी के साथ जाना चाहूँगा। मतलब आप इस बार स्विच करना चाहते हैं? बस क्योंकि हमें फैसिलिटी मिल रही है, हमारे जो बिजली का बिल है वो कम आ रहा है, हमें फैसिलिटीज मिल रही है काफ़ी है, तो मैं उनके साथ ही जाना चाहूँगा फिलहाल। एमसीडी का इलेक्शन है 4 दिसंबर को, तो आपका वोट किसको जाने वाला है? हमारा वोट तो बीजेपी को है। बीजेपी को वोट देने का कोई खास कारण? खास कारण पुरानी पार्टी है, अब ये नई है, ये फ्री वाला चक्कर है, इसलिए बीजेपी ही ठीक है, क्योंकि सेंट्रल में है और ये अगर इनकी सरकार आ जाएगी केजरीवाल की तो खींचतान में दिल्ली का कुछ हो नहीं पाएगा। केजरीवाल की सरकार ने कई वादे किए हैं एमसीडी इलेक्शंस को लेके, जैसे कूड़े के ढेर हटवा देंगे, बिजली पानी, ये सब, उनके उस बारे में आपका क्या सोचना? कूड़े का ढेर तो हटवा दिया बीजेपी ने ही, और जो है अभी ये हटाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, सेंट्रल इनको कहेंगे बाद में हमें पैसा नहीं मिल रहा है। क्योंकि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, तो आप चाहते हैं कि बीजेपी ही वापस आए, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस ना आए? आम आदमी पे अभी उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी पे है, कुछ तो काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली का सीएम जो है वो आम आदमी पार्टी से? हाँ, लेकिन सेंट्रल में तो बीजेपी है, बीजेपी कहेंगे कल की पैसे ले रही है नहीं दे रही है, फिर क्या करेंगे? फिर तो जो हो रहा है काम वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, बिजली और पानी में है, लेकिन पानी उतना साफ भी तो नहीं आ रहा, बगैर आरओ को कोई पी नहीं सकता, यही सब है समस्या, इसलिए पुरानी सरकार है, कुछ न कुछ तो करेंगे ही कहने पे। अब इनके पास जाओगे तो अपना रोना रोएंगे कि मेरे को सरकार पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम कहाँ से करें, तो वादा तो करते हैं लेकिन जब करें तब न। तो मतलब आपका वोट जो है वो बीजेपी? वोट तो बीजेपी का ही है। एमसीडी का इलेक्शन है, आपका वोट किसको जाने वाला है? केजरीवाल को। क्यों? यूं ही केजरीवाल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और सिर्फ उन्होंने करा तो रिक्शा वालों को, उन्होंने किराया महंगा कर दिया हम गरीबों लोगों के लिए। बीजेपी को क्यों नहीं वोट जाने वाला आप? कोई बात नहीं, दिल के ऊपर है, वो तो जो इंसान अच्छा लगता है उसी को दिया जाता है। केजरीवाल का ऐसा कौन सा काम आपको पसंद आ गया जो खासकर आपका वोट केजरीवाल को ही जाएगा? केजरीवाल को हम हर साल डालते हैं, इस साल भी केजरीवाल को डालेंगे, वो सारे काम बढ़िया कर रहे हैं वो। एमसीडी इलेक्शंस हैं, आपका वोट किसको जाने वाला है? जी केजरीवाल जी को। क्यों? साफ सफाई में, हमें नौकरी, हर चीज में सुविधा दे रहे हैं जी। चांदनी चौक में आए हैं, यहाँ साफ सफाई आप देख सकते हैं, उसके बाद भी नहीं? तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सफाई कौन करा रहा है, ये आपने बता? नहीं नहीं नहीं, वो तो इन्होंने कहा ना कि क्यों, क्यों का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। आपसे ये बात हम पूछते हैं कि हमने जैसे कहा कि केजरीवाल को देना चाहते हैं, तो आपने साफ सफाई के लिए कहा, तो ये इसको करा कौन रहा है? तो यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ कि इस बार का एमसीडी का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों, अगर आप खासकर वोट केजरीवाल को देना चाहते हैं तो आप किस मुद्दे को लेकर ऐसा उन्होंने क्या करा, या बीजेपी को देना चाहते हैं या कांग्रेस को भी देना चाहते हैं? पे साथ नहीं दिया पब्लिक का, यहाँ पे रहने वालों का, हर चीज में, किस चीज में उन्होंने पीछे हटे में? वही तो जानने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आप वही रीजन बताइए, वही मुद्दे मुझे। वो हर चीज का ही है, स्कूल से लेके, पढ़ाई से लेके, सब चीज में ही उनका अच्छा योगदान रहा है हर चीज में। तो आपका वोट जाने किसको वाला ये बताइए? केजरीवाल को ही। केजरीवाल आपका? केजरीवाल। केजरीवाल एमसीडी इलेक्शंस है, आपका वोट किसको जाने वाला? केजरीवाल। केजरीवाल जी प्लस। यस मैम, भी आप। लेकिन आपने जो टोपी है वो बीजेपी की लगा रखी है, लगता है खास सपोर्ट करने के लिए लगाई है मैम। बहिष्कार करने के लिए आपने बीजेपी की टोपी लगाई? डायरेक्ट सेंटर की है ना मैम, आप अरविंद केजरीवाल थोड़ी सफाई करेगा यार, सेंटर का बनता है मैम। जब मंदिर तोड़वाना था आपको, तो मैम तब आप बीजेपी वाले उसको लेके आ गए, आपको आपको पता वो आएगी। देखिए अगर देखा जाए दिल्ली के अंदर तो मुफ्तखोर लोग ज़्यादा हैं और मुस्लिम वोट एक तरफ है, जैसे हमारा वार्ड नंबर 87 लगता है, तो मुस्लिम वोट एक तरफ है, तो सारा मुसलमान का वोट तो केजरीवाल या फिर कांग्रेस इनको आना है। केजरीवाल का ऐसा क्या काम पसंद आया कि आप वोट केजरीवाल को देना चाहते हैं? नहीं, काम तो खैर ऐसा कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं, वो तो खाली दिखावा था जो भी था, लेकिन हम तो बीजेपी। अभी आप केजरीवाल बोल रहे थे, यहाँ पर, यहाँ पे जीतेगा केजरीवाल ही,
क्योंकि हमारे मैं आपके वोट की बात कर रही हूँ। आप अभी केजरीवाल बोल रहे थे, एकदम से आप बीजेपी पे आ गए। नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे वोट। केजरीवाल का डर और भय बहुत ज्यादा है, लोग बोल नहीं रहे डर के, हमारे हम ही नहीं बोल रहे थे। मतलब स्विच पल पल में स्विच हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि आपको वोट जाएगा कि बीजेपी को वोट जाएगा। चांदनी चौक में दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस को लेकर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जहां कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि दिल्ली में झाड़ू चलेगी या फिर कमल खिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अवध पाल के साथ मैं शुभी महेश्वरी, स्पाइस न्यूज़ भारत, दिल्ली।